याद नहीं आती तुम्हें? बहुत याद आती है। ओहो। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हो चुके हैं 11:30। तो मैंने क्या सोचा ना, मैं ये रोमियो के डब्बे को तो बाहर को लेके आ गया था, इसमें एक दरवाजा टाइप का बनाने की सोचा यहाँ पर से यूं करके। अभी मैंने इसको स्टार्टर भी देना शुरू कर दिया है। देख पेडिग्री तो खाने लग गया है, थोड़ा बचा दिया। कहाँ घुसे हो? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। आज इसको डिवॉर्मिंग भी कराई है। आज बाय द वे हमारा आज मूवी देखने का प्लान है। अब देखो यहाँ घुस गया। क्या चाहिए? कहाँ घुस गया? कहाँ घुस रहा है? कहाँ घुस रहा है? इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। आजा 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 आजा। रोमियो कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? तो गाइज अभी कुछ इस तरह से इसका घर रोमियो का, सिर्फ यहाँ पर एक छेद है क्योंकि मैंने हवा जाने के लिए पास करने के लिए बनाया था, बाकी ऊपर से तो खुला ही रहता है। तो अभी थोड़ी देर में देखना है इसका लुक, नया लुक। तो कह दो ना, हमें आज तो दे दो ना। तो गाइस अभी तो बन चुका है इतना ही। मैंने खिड़की भी बना दी और दरवाजे के लिए देखो ऐसे मस्त सा बना रखा है। बाकी मैं लेकर आ चुका हूँ पेंट। आपको याद होगा मैंने एक बार पेंट ही किया था छत में, तो इसको लगाता हूँ इसमें। देख तो गाइस अभी पूरा का पूरा बना दिया है। देखो सूख गया था, उसके बाद फिर मेघा को कॉल किया मैंने, तो इसको लेकर आ गया मैं। अभी देखो यहाँ पर इसने डिज़ाइन इसने बना रखी, बाकी पेंट वेंट सब मैंने कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉक नॉक लिख रखा है, अब यहाँ पर से खोलेंगे ऐसे नॉक नॉक। खुल जा, चिपक गया है। हाँ तभी तो कह रहा था कि बाहर से कुछ लगा देंगे, इसको कुछ लगा देंगे ताकि इसको खींचने के लिए हो जाएगा ना। बाकी कैसा, बाकी कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके बताना। तो फाइनली कम्प्लीट हो गया ये, मस्त लग रहा है ना। यहाँ पर छोटा सा पिल्ला भी है। एक काम करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है? और शाम को रेडी होके आ जाना, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मूवी देखने के लिए, ठीक है? कौन सी मूवी हो तुम्हें बाद में पता चलेगा, सरप्राइज है। मैं जा रहा हूँ, रॉनी, स्मृति, ठीक है? हम चार जने और एक और जना आएगा, वो भी तुम्हें शाम को पता चलेगा। सो गाइस फाइनली रोमियो को भी इसके अंदर डाल दिया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। रोमियो इधर देखो, ले कैसे मस्त करके सो रखा है देखो। हेलो डॉगी, रोमियो सो रहा है, सो जा फिर। अब इसको हम कर देते हैं बंद। तो अब ये है यहाँ पर सेफ हाउस में, ये देखो। तो अभी मैं और रोमियो जा रहे हैं घूमने के लिए, साथ में स्मृति, मेघा और रोनी भी आ रहा है। तो रोनी तो अभी जस्ट रेडी हो रहा है, तो मैं लेकर आ गया इसको रोमियो को। रोमियो पहली राइड है इसकी आज। अरे मेघा भी आ गई। हाँ। दर्द तो नहीं हो रहा ना पाँव में? हो रहा है थोड़ा बहुत, स्वेलिंग से हो रहा है, मतलब चल रही हूँ ना तो स्वेलिंग हो जा रही है, उसी से दर्द हो रहा है। कोई नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करते रहोगे ना तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो ना, खाली घर में बैठी है कमरे में, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं तो माहौल भी चेंज होगा। क्योंकि मैं घूमने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा स्कूटी में ही बैठना होगा ना, हाँ वहाँ भी बैठेंगी, इसलिए आई हूँ, वरना वरना नहीं आती, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है संदीप, अभी बैठे बैठे भी हो रहा है। स्मृति हेलो बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो? नीचे 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 देखना। देखियो देखियो। तो मैं इसको पीछे टांग लेता हूँ। रानी तो पूरा फुल कवर्ड है। रानी बर्फ पड़ रही है क्या शिमला में? मैं रिस्क नहीं लेता। मुझे बहुत ठंड लगती है। आजा आजा। चलें? बिल्कुल। चलो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घूमने, कितने दिनों बाद घूमने जा रहे हैं, मतलब लिटरली जब से मेघा के पाँव में लगी थी तब से हम घूमने ही नहीं गए। याद नहीं आती तुम्हें? बहुत याद आती है। ओहो तो बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो मुझे। तो तुम रात को थोड़ा ना आ सकते हो यहाँ? तो बता दिया करो, मैं कॉल तो ठहर लूंगा, इतनी याद करते हो मेरे को। तो तुम रात को थोड़ा ना आ सकते हो वहाँ पे? अब मुझे इतना याद करते तो मुझे बता दिया करो। तो मैं नहीं करती, मैं रोमियो को याद करती हूँ। वो बुरा अंदर घुस गया वो। उसको मस्त लग रहा है। तुम सैड क्यों जाते हो पहले बताओ? क्या बताओ तुम्हें, चलो। तो अभी हम जा रहे हैं काफी दिनों बाद घूमने के लिए। सो गाइस आई एम सो मच एक्साइटेड। यहां पे टेडी बियर भी है मेरे पास, ये टेडी खेलता रहेगा। बाकी इसका वो खोले रहना, बाकी हम लोग टांगने वाले नहीं है, पीछे से सिर पर पकड़ी रहेगी। घूमा जा रहे हो, कैसे हो रोमियो? चले रोमियो चले। तो गाइस हम निकलते हैं यहाँ से, बाकी रोनी और स्मृति तो वहाँ पर पहुँच गए क्योंकि उन्हें पेट्रोल भरवाना था, और मेरे पास तो हमेशा एक्स्ट्रा पेट्रोल रहता ही है,
बाकी इसका मीटर काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं एक्स्ट्रा पेट्रोल लगता हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाए। फिलहाल रोमियो तो अपनी पहली राइड काफ़ी इंजॉय कर रहा है, वैसे उसकी पहली नहीं है, दूसरी राइड है, क्योंकि पहले वो 110 किलोमीटर ट्रैवल करके आया। बाकी अभी तो हमने मतलब पहले जो ट्रैवल करके आया था उससे काफ़ी ज़्यादा सेफली से इसको रख रखा है। तो गाइस बताए सबसे मेन रिस्क क्या है, हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और डॉग्स अलाउ नहीं होता है। अब हम देखो किस तरह से डॉग को लेके जाते हैं, अब पता नहीं क्या होगा सीन, अब मुझे भी नहीं पता। रोनी लोग वहाँ पे खड़े हैं, हमको बाहर ही मना कर दिया। हाँ तो अंदर जाने को राजी नहीं है इसको, सांस के लिए मैंने चेन खोल रखी है, फिर भी इसको अब बाहर, इसको हल्का हल्का अंदर डालो यार, नहीं तो इसको बाहर ही नहीं करेंगे, जल्दी कर देंगे, ये मान ही नहीं रहा है। तुम और स्मृति, ऑनलाइन बुकिंग लॉक हो चुकी है, ऑफलाइन भी बुकिंग लॉक हो जाएगी, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। स्मृति तुम देखो, मैं एक बात बताता हूँ ना, इसका हाथ निकालना, देखो ये। एक काम करना, हम कहेंगे लेडीज है, इनके पास बच्चा है। नहीं नहीं हाँ नहीं, बोलो ना पेट है, बस साफ़ी बात है, पेट है। अरे कोई नहीं, नहीं होगा फिर निकल। हाँ चलो देखते हैं। वैसे ऑल द वेस्ट, अगर आपने भी अगर कभी ऐसा ट्राई किया है तो देखते हैं क्या होता है सीन। गाइस अब डॉग को अलाउ हो गया है और बड़ी मुश्किल से लेके गए। रोमियो पहली मूवी देखेगा तू, तो रोमियो को फाइनली अलाउ कर दिया है। आजा आराम से आना, इसको सीढ़ियों में दिक्कत आ रही होगी, आराम से आराम से आराम से आ जा, आराम से आना आराम से आना आराम से आना, कितना खुश हो रहो। ओहो ये देखो, ये डॉगी हमारा सोया है यहाँ पे, डॉगू तो सोया है, ये रोमियो सो रखा है यहाँ पे, बस तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे। चलें चलें, तो गाइस मूवी ख़त्म हो गई है और ये रोमियो ने इतना मस्त करके एंजॉय किया ना, क्या ही बताऊँ। चलें, रोमियो ने इतना एंजॉय किया ना लिटरली, मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब एक चीज़ तो होगी, इसको घुमा सकते हैं ज़्यादा दूर दूर तक भी। क्यों परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है रोमियो, अंदर रहो, थोड़ी देर धूप में रहना है। ये देखो खिड़की से देखता है अपने। सो गाइस फाइनली रोमियो सो गया, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है। और तो कल पता ही क्या हुआ, मूवी से आने के बाद जब मैं जिम गया ना, क्योंकि एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भैया आजकल जिम नहीं जा रहे हो, तो मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन आ गई ना, मैंने कहा थारा भाई संदीप आप इतने डंबल उठाएगा, लेकिन वहां जाती एकदम डिमोटिवेट। पहले मेरा वेट था 75 केजी हो गया था, और उसके बाद पता है कुछ दिन मैं जिम नहीं गया तो 80 केजी पहुंच गया है। तो मैंने अब तो टारगेट रख दिया है, तब 2 महीने के अंदर अपने बर्थडे तक 15 जनवरी तक मैं इसको 70-73 तक लेकर आऊंगा, और उसके बाद इसको कम से कम मैं 65 तक तो लेकर ही आऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो गाइस कल से आपको जिम के ब्लॉग भी दिखेंगे, क्योंकि अब मैं रेगुलर जिम जाने लग गया हूँ और कल से तो स्टार्ट भी कर दिया था। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए तो कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करना गाइस कि रोमियो का घर कैसा लगा आपको। बाकी लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे देख ही लिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहां पर रील एंड फोटोज से देख ही लिया था कि किस तरह का रोमियो का घर है, कैसा उसका रिएक्शन है, वो सब कुछ। तो आप भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। फिकी फिकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूनम की उजियारे उजियारे जान मेरे।